जय श्री राम विशु, जय श्री राम भाई। अब तो जय सिया राम हो गया यार। जय सिया राम भाई। नाउ हाँ, नाउ वी हैव मेलोड डाउन। पहले जय सिया राम वाज अ वॉर क्राय, अब हम वॉर जीत चुके हैं, तो नाउ हैज बिकम फतेह कर चुके हैं, किला फतेह कर चुके हैं लिटरली। हाँ, अब हम जीत गए हैं, तो अब हम सबको एक साथ लेके चलेंगे। और अब हम क्योंकि हमको इतना डेवलपमेंट चाहिए, इसलिए अब हम चाह रहे हैं कि जो वो 5 एकड़ की जमीन है बाबरी मस्जिद को जो दी है, उस पर हॉस्पिटल बन जाना चाहिए। जैसे पहले लिबरल्स बोलते रहते थे कि राम मंदिर की जमीन पर मंदिर के बना रहे हो, हॉस्पिटल बनाओ। नाउ वी आर इन फेवर ऑफ डेवलपमेंट ऑल्सो। मंदिर मंदिर सब ऐसे फालतू में होते हैं, नाउ वी फेवर डेवलपमेंट। तो यार वेलकम, मेरे को आपसे क्वेश्चन पूछना है। आप ये बताओ कि आप बॉटल से पानी पीते हो जिसमें, हाँ, क्या उस बॉटल में होल होता है? हाँ ठीक है, इसके ऊपर हम पॉडकास्ट के बीच में डिस्कस करेंगे। क्या? अभी लेट्स गेट हाउ इज दिस रिलेवेंट टू एनीथिंग? दिस इज रिलेवेंट टू द पॉडकास्ट यार। इसका अगर कोई सुन रहा है तो यू विल गेट द आंसर इन बिटवीन द पॉडकास्ट समवेयर। ऐसे ही इट विल बी दिस सडन, द सडननेस ऑफ दिस डिस्कशन विल टेक यू अबैक। अब हम खुश हैं यार। अरे मैं आज मेरे को नहीं, कल मेरे को हमारे फैमिली ग्रुप पे व्हाट्सएप आया था, आई वुड लाइक टू रीड दिस आउट। मोदी जी नहीं होते तो आज राम जी को कोई नहीं जान पाता, कोई नहीं जान पाता, ठीक है? राम जी को उनका घर, सम्मान, अधिकार, सब कुछ मोदी जी ने ही दिलाया है। सबके भगवान राम होंगे लेकिन राम के भगवान मोदी जी है। सीरियसली मोदी जी भगवान है ना ब्रो? यार शेट, ये वाला मैसेज आडवाणी को भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड हुआ होगा, दिल बी क्राइंग सो हार्ड आफ्टर रीडिंग दिस। यार मतलब ठीक है, सब ठीक है, बुरा हुआ आडवाणी के साथ यार, मतलब बेचारे ने अपनी जिंदगी लगा दी इसके पीछे और उसको बुलाया भी नहीं यार। केस भी उसी पे चल रहा है और कि उसने करा था, पता नहीं ऐसे गुरु बोल बोल के ऐसे धोखेबाज तो टाइप निकला, क्योंकि हमेशा ये बोलते हैं कि अडवाणी यूज्ड टू फेवर मोदी, अडवाणी यूज्ड टू फेवर मोदी। तो यार बन गया मंदिर, तो फिर आपका क्या? नहीं, उसके पहली नींव रख दी गई है भाई मंदिर की, मंदिर बना नहीं है अभी। हाँ, मंदिर बनेगा 2024 में, जब अगला इलेक्शन होगा ना उसके 3 महीने पहले मंदिर का कम्प्लीशन होगा, मंदिर के गेट्स खोले जाएंगे पब्लिक के लिए और एकदम से फिर यूफोरिया आएगा कि मोदी जी ने तो मंदिर ही तो बनाया है, और 2024 में से मोदी जीत जाएगा और फिर पाकिस्तान को रावण से कंपेयर कर दिया जाएगा। ये, क्योंकि ऑब्वियसली तब कोई ना कोई ऐसे मिलिट्री मूवमेंट भी होने लगेगा इलेक्शन से पहले। इमोशंस के उस पर, पता है, इसीलिए आई थिंक गैलीलियो लेके डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट काइंड ऑफ गवर्नमेंट। तो उसमें बस वो बंदा रूल करता है हु हैज द स्किल टू अट्रैक्ट मोस्ट वोट्स बट नॉट द बेस्ट पर्सन रूल्स, लाइक हु इज द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर। But maybe this is very true for our situation. हमारी marketing बहुत अच्छी होनी चाहिए, which is very true. गुजरात model बहुत अच्छा है। और पता नहीं जब ऐसे जम्मू कश्मीर का पिछले साल वो हुआ था कि चलो हम सब कुछ हटा रहे हैं। हाँ, and then there were many statistics which were like जम्मू कश्मीर is already much better than गुजरात। बस इंटरनेट नहीं अगर, बाकी सब तो अच्छा ही है। हाँ मतलब काफी उसमें मतलब सही था यार, मतलब इतना इतने सारे कंस्ट्रेंट्स होने के बाद भी। ब्रिलियंट सेगवे फ्रॉम द कश्मीर इशू, मतलब सेम डेट को जब एक साल हो गया था कश्मीर आर्टिकल 370 पास हुए, सेम डेट को ही कोइंसिडेंटली सेम डेट को ही मंदिर की पहली ब्रिक रखी गई मोदी जी को द्वारा, एंड तारीख अमर हो गई है इतिहास में बिकॉज इट इज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ इंडिया एज अ कंट्री। मोदी जी ने अपनी स्पीच में भी बोला कि द डेट इज एज इम्पॉर्टेंट एज August 15th, फ्रीडम स्ट्रगल से इक्वेट किया उस पार्टी ने जिसमें फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टी नहीं लिया था, वो पार्टी बोल रही है कि दिस डेट इज एज इम्पोर्टेंट एज द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। अरे तब तो वो पार्टी थी नहीं ना, तो सही लगा कि मतलब मोदी जी के पास या बीजेपी के पास कुछ ऐसा सेल करने को नहीं है जो फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड हो या इंडिपेंडेंस से रिलेटेड हो, वो सब का मोनोपोली ले रखा है कांग्रेस ने, नेहरू थे उस टाइम पे, गांधी जी थे उस टाइम पर, तो उनको अब एक नया नैरेटिव क्रिएट करना है कि एक नई डेट हम लाएंगे जो इट विल बी इक्विवेलेंट टू August 15th। हम पार्टीशन में और इंडिपेंडेंस में तो हम लोग पार्टी थे ही नहीं, तो अभी हमें उसके इक्विवेलेंट कुछ बनाना है, तो August 5th बना दिया, which is a genius master stroke। हाँ, it is master stroke, it is a master stroke यार, it is a master stroke। मतलब यार 5th August को ऐसा कर दिया है, और
फ्रीडम मूवमेंट में तो वो लोग थे ही नहीं यार, वो क्या करें। और मतलब जब इनके पास कुछ नहीं भी था, लाइक दे आर सो क्लेवर इन मैनिपुलेटिंग द नैरेटिव। लाइक मतलब उन्होंने कांग्रेस को भी, अगर जैसे उन्होंने राहुल गांधी को हिंदू तो बना ही दिया था, ठीक है, आई थिंक इफ यू गिव देम 5 more years तो धीरे धीरे वो कांग्रेस को ऐसा भी कर देते कि नहीं नहीं हमने फ्रीडम मूवमेंट में नहीं पार्ट लिया। हाँ मतलब बीजेपी को अगर तुम थोड़ा और टाइम दो मीडिया से, वो ये भी करवा देते। नाउ लाइक देर आर वो दीपक चौरसिया, ही इज ओपनली सेइंग के मैं सेक्युलर नहीं हूँ, आई एम नॉट सेक्युलर, तुम बेशक मुझे कम्युनल बुला लो, आई एम नॉट सेक्युलर। दे हैव मेड सेक्युलरिज्म एज सच अ नेगेटिव, दे हैव गिवन सच अ नेगेटिव कनोटेशन, एंड समवन सेइंग दिस ऑन द टीवी व्हेन लाइक इट इज मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन द प्रीएम्बल इटसेल्फ, कि हाँ सेक्युलर होना चाहिए। ऑल्दो वो प्रीएम्बल के ऊपर भी बड़ी कंट्रोवर्सी है कि इंदिरा गांधी ने एडेंडम में ऐड हुआ था, इंदिरा गांधी ने ऐड कराया था, बट लाइक आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन सेक्युलर। सो और कोई टीवी पे ऐसा बोल रहा है सीधा हाँ मैं सेक्युलर नहीं हूं, लाइक यू आर डायरेक्टली डिफाइंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई बंदा उस पर केस करे तो वो जेल हो सकता है, क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बाद तो अवॉइड करना ही चाहिए। बट पता नहीं इम्पोर्टेंट कहाँ है यार, मतलब हम यहाँ देख रहे हैं, हम यूएसए में देख रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट अ ओल्ड बुक गैदरिंग डस्ट इन अ कॉर्नर ऑफ अ लाइब्रेरी समवेयर। कॉन्स्टिट्यूशन जैसी चीजें कहाँ इम्पोर्टेंट रह गए हैं हम? नहीं कॉन्स्टिट्यूशन मेरे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है यार, मैं तो तू तैयारी कर रहा है बहुत इम्पोर्टेंट है यार, एक एक पता नहीं आर्टिकल की क्या बोलते हैं और इसे क्या इम्प्लिकेशन है, क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं, बहुत ज्यादा। बट यार ठीक है, अभी भी है तो कॉन्स्टिट्यूशनल वो तो। आपको क्या लगता है कि मतलब मंदिर बनना हाउ इज इट, मतलब अच्छा है बुरा है, क्या इतना यूफोरिया होना चाहिए? आई विल बी एज ऑब्जेक्टिव अबाउट इट एज आई कैन, सो हां बी ऑब्जेक्टिव एंड आल्सो गिव योर ओपिनियन कि आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए अगर ये नहीं तो। सी आई एम आल्सो अ हिंदू, आई have my own faith. No, 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 no. You are a kalank on Hindu. If your family is to be believed. If my family is to be believed, yeah. I am a kalank on Hindu. I have my own faith. I trust in a higher power. But that is for my own sake. मैं किसी को जाके brand नहीं करता कि तुम भी ये करो, तुम भी ये करो, तुम भी ये करो, तो मैं नहीं करता. And I understand बहुत लोगों के लिए रामजी is that higher power and उनके लिए ये issue था. If it has been fed into their minds, if it has been passed down the generations, कि हाँ ये issue है, इसको continue करना है तुम्हें, होगा issue, agreed. तो राम मंदिर बना, लोग खुश हैं, I understand that. For example, अगर एक बहुत ही platonic example लेता हूँ, अगर कल को Manchester United Champions League जीतती है, मैं बहुत खुश होऊंगा, ठीक है, मेरा उनसे कोई direct correlation नहीं है, but मैं उसको support करता हूँ, मैं बहुत खुश होऊंगा, ठीक है, but I will not go down to every other person's place के तू भी support कर, तू भी support कर, तू भी खुश हो, तू भी खुश हो, तू क्यों नहीं खुश हो रहा है, तू क्यों नहीं खुश हो रहा है? Won't you? I won't. मैं like I will not experiences. I will not force Arsenal followers or I will not force Chelsea followers to convert or to start supporting Manchester United or to start accepting. हाँ भी तुम accept करो कि ये amazing चीज़ है, ये दुनिया का सबसे बड़ा achievement है, ऐसा मैं नहीं करूँगा. It is just a platonic correlation. Does it affect my daily life? No. Does it affect the way I think? No. But I understand people are happy. And I respect that happiness. But us cheez ko is tarah se brand karna ki India ka sabse bada achievement hai, it is as important as our freedom struggle. Our freedom struggle, which made India a country. Aur hamara PM ye bol raha hai that this date is as important as August 15th. Yeah, pata nahi. Matlab, maybe as a country, it is not that important and it's not really an achievement. Not as a country, okay, when it comes to nationhood. But when it comes to religion, the religious community, it might be as important to them as like aise do aspects kar lo na, ek to religious ho gaya aur ek nationalism ho gaya. So nationalism ke basis pe to nahi hai, matlab this is not related to nationalism at all, tumhare apne ghar mein sab kuch ho raha hai. But when you look through the lens of religion, लेकिन they have not been fighting over it for 500 years, but matlab last 30 years to abhe 25 saal ke log lad rahe hain, abhe 25 saal ke log hain jo isse force kar rahe hain ki nahi to amazing cheez hai, tum bhi isko appreciate karo. So aaj hi maine news padha ki UP mein hi Rajasthan mein
एक ऑटो वाले को जबरदस्ती कर रहे थे कि तू बोल जय श्री राम बोल जय श्री राम बोल, और उसने अगर नहीं बोला तो उसको मारा यार अच्छे से, उसके पैसे से लूट लिए। हाँ यार वो तो ऐसे फ्रिंज एलिमेंट्स तो ये आपको थोड़ा ज्यादा हो रहा है। वही मैंने कहा आई अंडरस्टैंड देयर हैप्पीनेस, यू आर एवरी राइट टू बी हैप्पी अबाउट व्हाटएवर यू चूज टू बी हैप्पी अबाउट, बट यू कांट फोर्स योर ओपिनियन ऑन अदर्स, यू कांट ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ अ कलेक्टिव कंट्री। अगर सो यूएसए में टाइम स्क्वायर में किसी ने बिलबोर्ड पे एड खरीद के डाल दिया, उसको वो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि यूएसए रिकॉग्नाइज कर रहा है कितना बड़ा मोमेंट है। अबे किसी ने ऐड लगाया, उससे दो दिन पहले कॉन्डम का ऐड था उधर, आज वहां पर दिलजीत दोसांझ का ऐड लगा हुआ है जिसको कह रहे हैं वो गोट है। मतलब तो, अरे वो गोट तो उसका शायद कोई गाना है इसलिए। हाँ, दिलजीत दोसांझ सबसे बड़ा वो चीज हो गया है बिकॉज बिलबोर्ड पे उसका ऐड है। लॉजिक अरे वो ठीक है, मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब ये जो जैशी वाला बोल और ये तो ऑब्वियसली दे आर डिस्पिकेबल इवेंट्स, बट मतलब ये तो मतलब these are fringe elements, right? No, they're not, no, they're not. So, अपनी family में, अच्छा, our sample set is our circle, right? अपनी family में क्या लाइन लगा के शेयर हो रही है चीजें कि मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया है, रामचंद्र जी ग्रेटेस्ट और ये और वो। भाई मेरे सर्कल में पढ़े लिखे लोग है यार जो who are the same education as I have, they are अभी भी राम वापस आए हैं जैसे राम तब वापस आए थे ना, अभी भी राम वापस आए हैं। या एंड इट माइट बी, इट वेरी वेल माइट बी, एंड इट विल बी, इट माइट इवन बी मोर ग्रैंड इन अ फ्यू इयर्स। या इट माइट बी मोर ग्रैंड देन दिवाली इन अ फ्यू इयर्स और अ फ्यू डेकेड्स, बिकॉज़ इट विल बी लिंक्ड टू नेशनलिज्म आल्सो एंड इट इज मोर रीसेंट। या तो वही ना हो सकता है, बीजेपी इज क्रिएटिंग देयर न्यू हिस्ट्री नाउ। हां एंड दे वेरी वेल आर, एंड अ रीजन बिहाइंड दिस माइट बी कि जैसे जो कुछ भी हमने पढ़ा हुआ है यार, हमारा जो भी माइंडसेट है, मतलब इस तब था जब कांग्रेस वाज इन पावर, ठीक है, सो एंड इट इज अ वेल नोन फैक्ट कि बस ऐसे नेहरू वाज ग्लोरीफाइड एंड गांधी वाज ग्लोरीफाइड, मतलब अभी भी ग्लोरीफाइड एंड ही डिजर्व्स टू बी ग्लोरीफाइड क्योंकि वो इतने बड़े थे और उन्होंने इतना बड़ा हमें हेल्प किया। लेकिन इतने सारे और भी लोग थे, ठीक है, जिनको बारे में हमने कभी भी नहीं पढ़ा है। And a reason behind this might be because Congress was in power, तो उन्होंने बस Congress और Congress related चीजों को हमें पढ़ाया और हमारी generation को सिर्फ ये पता है, ठीक है। And it is a very well known fact that even in my examination, जैसे अगर मैं UPSC का exam दे रहा हूँ ना, तो we have seen a trend in the past few years कि पहले गांधी जी के ऊपर बहुत questions आते थे, ठीक है, but now slowly we have been seeing questions like yes, Gandhi was important, but he was not the only one. तो और लोगों के क्या क्या contributions रहे हैं, एंड हमें सही में नहीं पता है कि कुछ, मतलब बस हमको कुछ कुछ वो पता है, जैसे हाँ भगत सिंह का contribution रहा है और उन लोगों का रहा है। नहीं, और सब काफियों के बारे में पता है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में पता है, सरदार पटेल के बारे में पता है, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में भी पता है। अब ये जो ऑल ऑफ देम वर, हमने बस नेहरू और गांधी परिवार के जो प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं, ऑलवेज दे हैव बीन ग्लोरीफाइड, है ना। और मैं बस एक और चीज बोलूं, मैंने अभी ये बोला कि गांधी जी को ग्लोरीफाई किया, मैं ऐसे उनको कहीं भी डिमीन टाइप नहीं कर रहा हूं। दे ही वाज अ अमेजिंग लीडर, ही वाज एन अमेजिंग लीडर, मतलब उन्होंने जो मतलब मास मूवमेंट लेके आए थे, दैट वाज अमेजिंग। तो कहीं भी जो लिसनर्स है वो ये ना सोचे कि मैं भी बिल्कुल एकदम प्रोपेगेंडा में बह चुका हूं और मैं भी थोड़े दिनों में ऐसे बोल रहा हूं कि नाथूराम बोस ने अच्छा करा जो करा। हां नाथूराम बोस से ग्लोरीफाई होने लग गया है भाई बीजेपी वाले। नाथूराम गोडसे को अगेंस्ट कुछ नहीं बोलते हैं, मतलब हाँ वही रीशेपिंग देयर हिस्ट्री, पता नहीं। हाँ मतलब इफ दे आर इन पावर तो धीरे धीरे ये भी होने मतलब आई वोंट बी सरप्राइज्ड आफ्टर 40 इयर्स इफ बीजेपी इज इन पावर, लाइक नाथूराम गोडसे वोंट बी अ विलन, ही विल बी एन एंटी हीरो व्हिच पीपल टेंड टू लाइक, बैटमैन की तरह एकदम, ही विल बी आर बैटमैन। हां या हां के विजिलेंटी था बट सही अच्छे के लिए गया। तो यार राम मंदिर बनने से अच्छा तो हो गया कि अब इतना सही हो जाएगा, इतना टूरिज्म सर्किट बन जाएगा, रिलीजियस सर्किट बन जाएगा। अग्री, सो इफ यू लुक एट दैट साइड ऑफ थिंग्स, टूरिज्म बढ़ेगा और इकोनॉमी को बूस्ट होगा, वहां पे लोगों को
एम्प्लॉयमेंट मिलेगा एटसेट्रा एटसेट्रा, इट इज अ गुड थिंग. जैसे यहाँ पे सरदार पटेल की मूर्ति बनाई उन्होंने गुजरात में, वहां पे सब काफी कुछ अच्छा एम्प्लॉयमेंट वगैरह हुआ, इट इज अ गुड थिंग इन अ वे. बट द नेगेटिव रैमिफिकेशंस आर एज ऑफ नाउ फ्रॉम व्हाट आई सी आर ओवरवेलमिंगली सुपर इम्पोजिंग द पॉजिटिव रैमिफिकेशंस. मतलब जो एक एंटी एक मॉब मेंटालिटी आ गई ना जो सब लोगों में, कि हाँ अब तो हम तो जीत ही रहे हैं, अब हम माइनॉरिटीज को और जो भी हमारे अगेंस्ट कुछ भी बोलेगा हम उसकी बजा देंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये इंस्टेंसेस हुए, जैसे राजस्थान में इंस्टेंस हुआ, सोशल मीडिया पे हर जगह देख रहा हूँ, ट्विटर पे देख रहा हूँ, तो काफी ज्यादा एंटी माइनॉरिटी सेंटिमेंट आ गया बहुत ज्यादा. यार अब धीरे धीरे मतलब द ओनली थिंग व्हिच इज नॉट अ हेल्दी साइन फॉर अ कंट्री व्हिच इज ट्राइंग टू डेवलप. द ओनली थिंग वी नीड टू बी स्केयर्ड अबाउट इज कि अब धीरे धीरे ये ना हो जाए कि हाँ चलो अब ये तो एक चैप्टर था, नाउ लेट्स ओपन अदर चैप्टर्स. जो वहां जिस पंडित ने वो भूमि पूजन किया है एटसेट्रा एटसेट्रा, उसने मोदी जी से ये दक्षिणा में ही मांगा है कि जो आपने यहाँ पे किया है वो आप काशी में भी करो, वो आप मथुरा में भी करो. और उस चीज को एकदम से सेंसेशनलाइज किया जा रहा है कि बस अब तो हम विजय रथ हमारा चल चुका है और अब हम नहीं रुकेंगे. और ये सब चीजें आर अ लिटिल स्केरी टू मी. बीजेपी के मैनिफेस्टो, सो आई गिव क्रेडिट, मैनिफेस्टो में था ये कि हम राम मंदिर बनाएंगे. मैनिफेस्टो में कश्मीर था, उनके मैनिफेस्टो में राम मंदिर था, दे डिड इट. हां, पीपल वोटेड देम टू पावर बेसिस. वैसे ऑल्दो कोई मैनिफेस्टो पढ़ता नहीं है, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, कभी किसी ने ओपनली किसी स्पीच में नहीं बोला था, बट लीगली उनके मैनिफेस्टो में था, पीपल वोटेड देम टू पावर एंड उन्होंने किया. तो उस मैनिफेस्टो में एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 373-335 भी था, उस मैनिफेस्टो में बिल्डिंग ऑफ राम मंदिर भी था, एंड उस मैनिफेस्टो में पता है एनआरसी भी था, एंड व्हिच हैड दिस स्टेटमेंट के सिक्स रिलीजियंस होंगे एंड मुस्लिम्स वाज मिसिंग इन दैट रिलीजन. तो बॉटल में होल होता है क्या? हाँ होता है, उसके ऊपर ढक्कन होता है. हाँ ढक्कन हटा दो तो होता है. हाँ होता है, होता है. चलो ठीक है, अगर बॉटल में होल होता है तो क्या एक ग्लास में होल होता है? मतलब होल तो उसका शेप ही ऐसा होता है. हाँ तो मतलब आपने बॉटल में बोला कि हाँ होल होता है, तो ये ग्लास में होता है उस हिसाब से तो हाँ उसमें भी होता है. तो क्या एक कटोरी में भी होल होता है? क्या बोल रहा है? हाँ ठीक है, ओके, आई विल ह्यूमर यू फॉर दिस कन्वर्सेशन. हाँ होता है. तो फिर क्या ऐसे वो प्लेट अगर वो थोड़ी सी बेंड है तो क्या उसमें भी होल होता है क्या? क्योंकि शेप तो वैसी है यार, जस्ट द डेप्थ इज डिक्रीजिंग, राइट? सो दिस इज समथिंग टू थिंक अबाउट. अगर तुम ऐसी चीज सोचना चाहते हो तो जब एक बंदा यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता है तो वो ये सब सोचता है अपनी खुशी के लिए. किसी चीज के बारे में क्या था ये? तो फिर टू एनीबॉडी लिसनिंग प्लीज डोंट जज आवर पॉडकास्ट बेसिस ऑन. I think we'll keep bringing you such nice and ऐसा सोचने वाला की stuff. तो basically इसका नटकल में summary ये था, ये प्लेट में होल होता है. हाँ मतलब तुम सोचोगे क्यों हमको ऐसा लगता है कि एक बॉटल में, हमको पता है कि एथिक्स के ऊपर भी करनी चाहिए यार. तो एक बॉटल में नहीं. तो फिर हाँ यार, और आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल रहा राम मंदिर बनने में? सुप्रीम कोर्ट पे, अच्छा बिफोर दैट जो मैंने रिसर्च किया इस पॉडकास्ट के लिए, मैं उसको फ्लॉन्ट करना चाहता हूँ. हाँ 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 ठीक है. सो फॉर दोज हु हैवंट चेक्ड इट आउट, एक काफी अच्छी इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म वेबसाइट है द वायर. इफ यू वांट टू कंज्यूम, यू आर प्रोपेगेंडिस्ट यार, बस लिबरल प्रोपेगेंडा फैलाने वाले वो वायर प्रिंट लेके आ जाते हो. हाँ, इफ यू एक्चुअली वांट टू चेक आउट न्यूज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एटसेट्रा, चेक आउट द वायर. यू शुड वॉच रिपब्लिक टीवी, इट इज डूइंग द बेस्ट जर्नलिज्म. Republic TV always. Probably it is doing the only one who is doing journalism right now. Republic TV, right? Yeah, sure. Yeah. Okay, so they have constructed a timeline basis all the facts available. Okay, no hearsay, no acceptance or belief, just facts. So 1528 में बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, and उस time पे there is absolutely no record or discussion of the mosque being built over a demolished temple. मतलब 15th century में बनाया और 18th century तक कोई discussion भी नहीं था कि temple के ruins पे कुछ बनाए, जैसे अभी commonly accepted fact. ठीक है, उसके बाद around 18th clashes होने लगे between Sunni Muslims and the Bahrais. उन्होंने एक hearsay पे assume किया कि because अयोध्या है
बिकॉज राम जी की जन्मभूमि है, तो जो उन्होंने मस्जिद बनाई है उसके नीचे टेम्पल था. कोई बेसिस नहीं है इस अजम्पशन का, कोई फैक्ट्स प्रूवन नहीं है इस चीज के लिए. 1860 के आसपास ये बिलीफ गैदर करने लगा ओनली ऑन द बेसिस ऑफ हियरसे. जो 5 साल पहले उन्होंने एक रूमर शुरू किया तो उसके बेसिस पे बिलीफ गैदर करने लगा कि यहाँ पे तो भाई रामचंद्र जी का जन्म हुआ था. ब्रिटिश पीपल उस टाइम पे दे इंटरवीन्ड बिकॉज द वायलेंस वॉज गेटिंग टू मच. सो दैट बाबरी मस्जिद इटसेल्फ, उसके दो कोर्ट्स बनाए गए. इनर कोर्ट्स वॉज फॉर मुस्लिम्स, आउटर कोर्ट वॉज फॉर हिंदूज, कि तुम बाहर पूजा करो मुस्लिम अंदर पूजा करेंगे. तो उस टाइम पे इट वॉज अ सेटलमेंट रीच्ड. 49 में क्या हुआ, वो मूर्ति रख दी अंदर कोर्टयार्ड में. हाँ, हिंदुओं ने ले जाके दे ब्रोक इनटू द मॉस्क एंड उन्होंने जाके रामचंद्र जी की मूर्ति अंदर रख दी कि ये तो रामचंद्र जी का जन्म स्थान था, हम तो इसमें मूर्ति रखेंगे. एंड उस टाइम पे जो मजिस्ट्रेट था के नायर, उसने रूलिंग पास करी कि इन मूर्तियों को यहाँ से नहीं हटाया जाएगा. द रीजन ही सेड इट वाज कि बहुत ज्यादा कम्युनल वायलेंस हो जाएगा एटसेट्रा एटसेट्रा. हाँ, इंटरेस्टिंग थिंग इज 2 साल बाद उस भाई ने बीजेपी ज्वाइन कर ली एंड उसको एमपी का पोस्ट मिल गया. सो मेक ऑफ दैट आई थिंक अभी ऐसा डेजा मूवमेंट हुआ है सुप्रीम कोर्ट जस्टिस के साथ में. 84 में फिर आडवाणी जी, जो इसके बेसिकली ब्रांड एम्बेसडर हैं इस पूरे कैंपेन के, तो आडवाणी जी की लीडरशिप के अंडर एक हिंदू कमेटी बनी जिसने जिसका एम था कि हम अयोध्या में मंदिर बनवाएंगे. दिस वॉज इन 84 एंड वहां से फिर उनके फेमस रथ यात्रा शुरू हुए. अटेम्प्ट था 84 में इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें बीजेपी को पावर मिलेगा बेसिस द सपोर्ट ऑफ हिंदुत्व, जो हुआ नहीं. बीजेपी को पूरे इलेक्शन में सिर्फ 2 सीट्स मिली. सो उस टाइम पे देर है, दुरुस्त है यार. लॉन्ग टर्म विजन सक्सीडेड फाइनली. मेरा तो विजन वहां से शुरू हुआ था, 84 से शुरू हुआ था. अब 1989 में राजीव गांधी, जो उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अलाउ किया वीएचपी को के तुम मंदिर पे अपना शिलान्यास जो अभी हो रहा है वहां पे उस टाइम उसको कर लो, सॉर्ट ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स. तो उन्होंने एक कंजर्वेटिव टाइप डिसीजन दिया कि तुम वहां पे अपना शिलान्यास कर लो, फाउंडेशन स्टोन रख लो 89 में. बट उसके ऊपर वापस कोर्ट केस हुआ सुन्नी बोर्ड का, जो मुस्लिम्स को वहां पे बोर्ड है, उन्होंने वापस कोर्ट केस किया एंड अगेन इट वॉज हेल्ड. देन वी कम टू 1992 में, और 92 में तो जो हुआ वो सबको बताइए. सो एक और इम्पोर्टेंट चीज, 91 में यूपी में बीजेपी की पावर आई थी स्टेट गवर्नमेंट की, कल्याण सिंह उसके सीएम थे, विच वाज अ बीजेपी मेंबर. 91 में बीजेपी गवर्नमेंट आई, 92 में फिर आडवाणी जी और ये उमा भारती और मुरली मनोहर जोशी, इन सब ने पॉलिटाइज स्पीचेस दिए वहां पे कि हम लोग ऐसा सब रिकैप्चर करेंगे एटसेट्रा एटसेट्रा. एंड 1.5 लाख लोग जाके बाबरी मस्जिद पे चढ़ गए एंड बाबरी मस्जिद तोड़ गई. बीच में ये भी हुआ कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बोला गया कि तुम एक्चुअली पता करो इसके नीचे टेंपल था कि नहीं था. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या बोला, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने बोला कि हाँ हमें कुछ रिमेन्स मिले हैं टेंपल के, बट जो हिस्टोरियंस हैं और जो एक्चुअल आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन लोगों ने इन क्लेम्स को पूरी तरह से रिफ्यूट किया. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने तो ऐसा रिपोर्ट दिया कि हाँ 1200 के टाइम पे यहाँ पे मंदिर था और जब 1500 उसमें यहाँ पे मस्जिद थी. अब हमको ये नहीं पता 300 साल में क्या हुआ. लाइक इन बाबरी मस्जिद आल्सो दे गॉट कि हाँ उसके टावर पे और ऐसे स्टोन्स हैं जिसमें हिंदू मार्किंग्स हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कुछ जॉइंट होगा. हाँ मतलब द फर्स्ट फैक्ट इटसेल्फ जो वैसे वायर ने लिखा हुआ है तो वही आ जाता है कि हाँ उसमें कभी भी पहले हिंदू मंदिर नहीं रहा है. अब हमारे पास क्या है यार बिलीव करने के लिए, अब दोनों साइड का प्रोपेगेंडा है. कमिंग टू माय पॉइंट, दिस हैज बीन गोइंग ऑन फॉर बड़ी सेंचुरीज नाउ एंड व्हाट इज द होल पॉइंट ऑफ इट. मैं आई एम नॉट सेइंग बीजेपी इज कल्पेबल, कांग्रेस ने भी पूरा उसको अपने फेवर में एलिवेट करने का ट्राई किया है. ठीक है, राजीव गांधी ने भी पूरा ट्राई किया था हिंदूज को अपने फेवर में लाने का बाई पासिंग दैट वर्डिट के हाँ टेम्पल बनाओ यहाँ पे एटसेट्रा एटसेट्रा. हम लोगों को 200 साल से रूलिंग पार्टीज बेवकूफ बना रही है रिलीजन के नाम पे. हाँ पॉलिटिकल है, दैट इज माय पॉइंट. तो ये सिर्फ 200 साल से नहीं है, जब से रिलीजन इन्वेंट हुआ है तब से हम बेवकूफ बनाने के लिए रिलीजन इन्वेंट हुआ है यार. एंड तो मतलब हमेशा से पॉलिटिकली मोटिव रहा है. 2020 में हम लोग इस चीज पे बहस कर रहे हैं कि माय रिलीजन इज बेटर देन योर्स. 2020 में वो तो सब लोग मानते हैं कि उनका रिलीजन बेटर है. बेवकूफ बना सकते हो. बट द नैरेटिव
so India was supposed to be a superpower in 2020. The narrative of being a superpower, being a smart country, etc., has now shifted completely to humne Ram Mandir banaya hai. Which this is disappointing. Ke, on one hand, you talk about being a superpower, and on the other hand, you talk about ke nahi hamare paas tab viman tha aur tab ye tha tab wo tha. India mein bahut time hai yaar logon ke paas bahut zyada. Mere ko aisa lagta hai ki I feel that it is masking the unemployment that Indians have, and it is masking the lack of education that we have been able to provide to Indians. Matlab educated, it's not really about education, kyunki educated jo hain log even they are affected by it, aren't they? Religion is a very big force, yaar, which I think both of us won't be able to understand because we are a little away from it and we haven't tried to leverage it to our use. Lekin religion is such a big power. Aap kisi bhi godman ko dekho, I think is in India mein or maybe anywhere in the world, if anyone is more powerful than a politician, are godmans. Matlab agar politician kisi ke aage jhukta hai, to wo godman ke aage jhukta hai kyunki usko pata hai. कि इसको इतने लोग फॉलो करते हैं एंड दैट इज अ स्किल यार. मतलब आप राम रहीम को देखो या लाइक एवरीवन आसाराम बापू को, किसी को भी देखो, दे ऑल हैव सच अ ह्यूज फॉलोइंग इवन आफ्टर बीइंग कन्विक्टेड एंड बीइंग इन जेल. तो इतना बड़ा यार रिलीजन इज एन ओपियम, लोगों को नशा होता है एंड पीपल नीड समथिंग इन देयर लाइव्स. अगर तुम्हारे पास काम नहीं है करने के लिए, आई थिंक इट हेल्प्स पीपल इन मेनी वेज, बट अगर तुम उसको बहुत ज्यादा मतलब इफ यू मेक दैट अ सेंट्रल पॉइंट टू योर लाइफ, इट इज exactly. So that's what I have a problem with. So religion, being religious is obviously not bad here. Matlab it helps people come out of depression, it helps people give a higher power to aim at, to look forward, look up to, but you can't make it the single biggest talking point of your lives. Pata nahi yaar, and dheere dheere kya hota hai, like every religion it starts with something good, ke koi sahi mein acha banda hota hai jo aajkal humko nahi milte, kyunki hum log jin logo ke contact mein aate hai na, they are not really the real religious people. Wo sahi mein, there are good religious gurus, they are in a way, but they don't come on TV. Hamara interaction was TV wale logon ke saath hota hai. And every religion started with something very good cause. The Sharia law and this thing ke log char shaadiyan kar sakte hain. It had a very good cause behind it. And us time mein bahut zyada wars hote hai. And to kya hota tha, wahan pe log aadmi ladne jaate the. Males used to go and fight and they used to die. So there were a lot of women and very less men. एंड तब वहाँ पे मतलब ऐसा था कि लड़कियां तो काम कर नहीं सकती थी एंड दे कुडंट टेक केयर ऑफ द होम, सो इट वाज अलाउड कि एवरी मैन कैन हैव फोर वाइव्स. सो दिस इज सच अ प्योर कॉज यार, कि तुम किसी के मतलब ऐसे लाइफ और पूरा फैमिली के लिए तुम कर रहे हो. एंड बट ओवर द इयर्स द रीजंस गेट लॉस्ट, एंड ऐसा हर एक चीज के साथ ही होता है. आप 1700 BC का टाइम देखो तो ऋग्वेदिक पीरियड वॉज रियली अ गोल्डन एज, वहाँ पे सब कुछ सही था. द वर्णा एंड कास्ट सिस्टम, इट हैज changed its meaning. पहले वर्णा सिस्टम वॉज जस्ट बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन के एक ही फैमिली में हाँ तुम चार वर्ण के लोग भी हो सकते हो. बट स्लोली बिकॉज ऑफ पीपल हु यूज्ड इट टू देयर बेनिफिट, इट चेंज्ड टू कास्ट सिस्टम. मतलब हम मतलब वी आर ब्राह्मण्स और तो हम लोगों ने तो भाई लोगों को बहुत काटा यार लोगों का ये बोल बोल के. सही है, इसी वजह यार हमारी वजह से इतने नए रिलीजन शुरू हो गए यार, लाइक बुद्धिज्म एंड जैनिज्म स्टार्टेड because people were frustrated. क्या साला इसको तो यहाँ में पूजा करनी है, हमें कुछ भी करना है, हमें पहले इसको खाना खिलाना है. सही में इसको दक्षिणा दो, पहले इसको लैंड दो. यार रिलीजन के बेसिस पे तो होता ही है और अभी भी हो रहा है और आगे भी चलता ही रहेगा. It will keep on happening. There will be a manifesto में क्या होगा? नहीं नहीं, there is no end. उस चीज पे नहीं बनाता हूँ. I have two opinions on everything now on most of the political stuff. I'm like, okay, this is my right wing opinion and this is my left wing opinion because I don't really know कि असलियत में क्या हो क्या रहा है भाई. क्योंकि तुम रवीश का चैनल देख लोगे एक दिन और एक दिन तुम अमीश देवगन का चैनल देख लोगे. Like, I'm sorry for comparing both of them. I'm very sorry. Like, there's no comparison. जर्नलिज्म की बात कर रहे तू और हाँ 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 मतलब really get influenced कि हाँ यार रवीश इतना सही है और मतलब वो सारी रियल कॉजेज उठा रहा है. बट एट द सेम टाइम वन ऑफ माई फ्रेंड टेल्स मी
कि यार भाई दोनों तरफ ही प्रोपागेंडा है, वहां पे राइट विंग प्रोपागेंडा है और वहां पे लेफ्ट विंग प्रोपागेंडा है. हाँ ठीक है वो सब मतलब सही कॉजेस उठा रहे हैं, बट हैव यू एवर सीन हिम अप्रिशिएटिंग द गवर्नमेंट? मतलब मैं बहुत रवीश का फैन हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं हूँ, बट वी रियली वेरी इट्स वेरी वेरी रेयर के द वायर या फिर जिनको भी हम ऐसे लेफ्ट विंग वो बोलते हैं आर दे मतलब दे आर रियली इट्स वेरी रेयर दैट दे आर इवन अप्रिशिएटिंग द गवर्नमेंट. मतलब मे बी दैट इज नॉट देयर जॉब टू अप्रिशिएट द गवर्नमेंट. जैसे ये सीजीआई का था कि उन्होंने इतने सारे डिसीजन दिए, ये रफाल का डिसीजन दिया कि हाँ उसमें कोई चोरी नहीं है, अयोध्या का डिसीजन दिया, ट्रिपल तलाक का डिसीजन दिया, जेएनके का, और उसके बाद मतलब और इसके लिए भी लाइक इट सीम्स दैट इट इज सो एविडेंट कि हाँ देयर वाज अ बायस, बट यू कैन फाइंड पॉइंट ऑफ व्यूज ऑन द नेट वेयर दे आर लाइक यार वो तो सुप्रीम कोर्ट है और उसको तुम कैसे डाउट कर सकते हो, और वो सिर्फ उसके सिंगल हैंडेड डिसीजन नहीं थे, वो तो पूरे बेंच ऑफ जजेस ने, ज्यूरी का डिसीजन था. बट मतलब ऐसा ये पॉइंट होता है, देन देयर इज आल्सो अ काउंटर पॉइंट के यार सीजेआई के हाथ में पावर होती है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि एवरी इंस्टीट्यूशन इज पायस, मतलब सुप्रीम कोर्ट इज वेरी पायस एंड प्योर, लेकिन यू नो के हाउ द वर्किंग्स आर, के उसमें उसको पता होगा कि हाँ राइट विंग जजेस कौन है और कौन लेफ्ट विंग है, सो दे कैन सीजेआई हैज द पावर टू मेक द बेंचेस. तो हो सकता है उसने वैसे बेंचेस बनाए हो वेयर ही न्यू रिलीजन इज नॉट गोइंग टू डिसअपीयर इन द नेक्स्ट सेंचुरी. नो, नेवर. Only suggestion is to keep the two things separate. The, if you believe in something, by all means believe in that, be happy. But don't shove your opinion down others' throats who aren't of the same faith. Don't show little empathy. इतना brandish करने की ज़रूरत नहीं है कि wow मंदिर बन गया biggest achievement of the country. It is not the biggest achievement of the country. It is. अब मतलब I won't be surprised धीरे-धीरे ऐसा narrative भी float होना शुरू हो जाए कि यार अब हिंदूज तो इतने सालों से, मतलब अभी इतना नहीं है, मेरी भी इट माइट कम इनटू लाइन राइट, कि हिंदूज को इतने साल से दे हैव बीन ऑप्रेस्ड, कि पहले ब्रिटिशर्स ने ऑप्रेस किया, उससे पहले मुस्लिम्स ने ऑप्रेस किया था, सारे रूलर्स ने, तो पहले हमने इंग्लिश को भगाया, मुस्लिम को भगाओ यहां से, हाँ लाइक आवर टाइम हैज कम नाउ कि अब हम बताएंगे, एंड इट विल बी वेरी डेंजरस फॉर आवर कंट्री. हाँ मतलब जैसे मतलब यार सीरियसली दिस इन दिस टाइम इट इज रियली क्वेश्चनिंग द वेरी फाउंडेशंस ऑफ आवर country, the very foundations of our constitution. मतलब even I am, मतलब मैं constitution वगैरह पढ़ता हूँ और वो सब देखता हूँ और फिर then I see के what is happening really in the politics. अब तो यार narrative बनाने में तो हमारी government is so good के कभी भी वो धीरे-धीरे ये हो सकते हैं constitution ही बेकार था, because I think मेरे को जैसे चाहिए होता है ना life में कि यार मुझे कुछ नया करना है, कुछ नया करना है. I think Modi also has this कि यार अब bore हो गए हैं, अब कुछ बड़ा करना है. तो हो सकता है 2024 से पहले वो बोले चलो constitution एकदम बड़ा करना है, क्योंकि he must have this competitive spirit कि भाई इंदिरा गांधी ने वो बनाया, मतलब इतना constitution change करा, तो मैं तो हर चीज में इंदिरा गांधी से compare होता हूँ, इंदिरा गांधी के बाद तो मैं constitution भी change करके रहूंगा. तो it won't be a surprise कि वो बोले कि secularism उन्होंने लिखा था तो अब हम हटा रहे हैं. So I think all hope is lost, everything is in despair. Everybody is still listening, please subscribe to the podcast on whichever medium that you're listening to it on. Spread our podcast in your circles if you like the content. We try to talk about relatable issues in a relatable manner. So please support us. We are present on all the major podcast platforms. And as always, keep taking it slow, people. Take care. Chalo, Jai Sri Ram, bhai. Jai Sri Ram. Jai Sri Ram.